24 न्यूज, हम बनेंगे आपकी अवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तारिक अनस हाशमी, और देख रहे हैं 94 न्यूज। आज हम लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहां टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान एक्सपो का आज पहला रोज़ है, और यहां पूरी दुनिया से मुख्तलिफ के सॉफ्टवेयर के हवाले से और टेक्निकल के हवाले से लोग आए हुए हैं, और यहाँ बहुत बड़ी एक्सपो है। और आपको बता दें कि एक्सपो ऐसी है जिसमें न्यू जनरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ न्यू जनरेशन के हवाले से उनके मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से टेक्निकल हवाले से ब्रांड आए हुए हैं। जी नाज़रीन, फ्लो HCM से अवैस हमारे साथ मौजूद है, आज इनसे जानते हैं कि आज फर्स्ट डे है एक्सपो का, कैसा फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत कंपनीज़ यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स शोकेस कर रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पता चल रहा है, ग्रोथ पता चल रही है, हम भी ये चीज़ यहाँ पे शोकेस करना है। लाहौर के लोग बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, कंपनीज़ बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रही हैं हमारे साथ, जो जो लोग इंडस्ट्री शेयर कर रहे हैं, बड़ा बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है। अच्छा, फ्लो HCM के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे लोगों को। फ्लो HCM एक HR सॉफ्टवेयर है, और ये हायरिंग से लेकर रिटायरिंग तक A to Z कंप्लीट एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर हेल्प आउट करता है। हमारे क्लाइंटियल देख लें आप लोग, सुजुकी, पार्क सुजुकी, KFC और टोयोटा, ये कुछ बड़ी कंपनीज हमारे साथ चल रही हैं। अच्छा, अभी ये जो आपने सॉफ्टवेयर आपने तैयार किया है, आपसे पहले भी किसी ने तैयार किया है, या इसमें कौन सी ऐसी हटके जो चीज़ है बताएँ? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अप्रिशिएट की जाती हैं, हमारी रिपोर्टिंग है, हमारे डैशबोर्ड्स हैं, AI का फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जो अभी अंडर डेवलपमेंट भी चल रहा है, और कुछ कुछ फीचर्स रोल आउट भी हो चुके हैं हमारे क्लाइंट्स को, और एडवांस मॉड्यूल्स हैं, बहुत अप्रिशिएट हमारे पास क्लाइंट्स हमारे कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे कैसा फुटफॉल रहा है? अच्छा है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग के और बढ़ेगा भी, शाम का टाइम हो रहा है, सुबह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हम देखेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्सपो के बारे में। मैं हमारे पाकिस्तान की आवाम को इनवाइट करूंगा कि ज़रूर आएँ, देखें, वी आर ग्रोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर ब्राइट है, जितनी नेगेटिव चीज़ें डाली जाती हैं उतनी नहीं है, बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कुरतुलैन जावेद, आई एम फ्रॉम सॉइल दी इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद में सॉइल दी इनोवेटर्स कंपनी जो है, ये PITB का एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर हम बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेज करवाते हैं। ये एक ऐसे कोर्सेज हैं जिसके बाद बच्चा सॉफ्टवेयर कंपनीज में एक वर्क प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अंदर हमारे पास जो सेक्शंस हैं वो एक कोवर्किंग स्पेसेस हैं जिसको हम बिजनेस हब का नाम देते हैं, IT स्किल हब है जहाँ पर बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और बाकी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। और इसी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है हमारा हाई ट्रेंड का, जिसके अंदर हम 40 ब्रांड्स का एक ऐसा सेटअप लेके आए हैं एक प्लाजे में, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ई कॉमर्स के थ्रू Shopify, Amazon यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट हंटिंग से लेके स्कोरिंग तक कर सकते हैं। एक्सपो सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जिसके अंदर हमने आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और मैं आप सबको भी इनवाइट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें, और यहाँ से आप एक अच्छा फीडबैक लें कि इस तरह के इदारे भी हैं यहाँ पर जो कि आपके स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और उनको एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंटशिप पर लेके जा सकते हैं। जी नाज़रीन, हसन साहब जो कि इनबॉक्स से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनबॉक्स के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा हसन भाई, ये इनबॉक्स के अंदर क्या छुपाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस देखने वालों? जी बेसिकली वी आर एन IT कंपनी जी, वी हैव बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान पिछले कोई 23-24 सालों से, और हम IT सर्विसेज देते हैं यहाँ पे। वी ऑल्सो सर्व इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड ऑल्सो दी क्लाइंट्स इन पाकिस्तान। कैसा फुटफॉल रहा आज फर्स्ट डे है? आई थिंक अमेजिंग रिस्पॉन्स, ये दिस इज़ 24th ITCN कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान, and I think these guys are doing a great job. I attended their conference last year in Karachi, August mein. So I think Lahore ke andar it's a good show, and I'm looking forward to an even bigger show in Karachi later this year. Ajay, kya samajhte hain ki abhi jo new generation hai unko software ke wale se kitne zyada ya kitne percent logo ko ya generation ko jo majority hai awareness aa chuki hai? Dekhen ji, social media ka zamana hai, ek cheez duniya mein kahin bhi hoti hai 10 मिनट में पूरी दुनिया में फैल जाती है।
इससे ज़्यादा पावर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो मेरे ख्याल से किसी को बताने की या एक्सप्लेन करने की समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ टैक्सी सर्विस की। ऊबर और करीम ने एक मोबाइल ऐप ने टेक्नोलॉजी के थ्रू टैक्सी सर्विस को कैसे चेंज कर दिया बिल्कुल पूरी दुनिया में। सो ये है टेक्नोलॉजी की पावर। सो मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में बच्चे को एक बच्चा मोबाइल और टैबलेट से खेलना शुरू करता है और आप उसको सिखाते नहीं है कि कैसे खेलना है, ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है। वो हमें सिखाते हैं जी, ठीक है। आप बच्चे को टैबलेट पकड़ाते हैं या मोबाइल पकड़ाते हैं, यू डोंट टेल हिम और हर हाउ टू यूज़ इट, वो खुद यूज़ करता है। और ये है द यूज़ ऑफ कन्वीनियंस जो टेक्नोलॉजी ने पैदा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान अशरफ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग एटम ब्रांड एज अ मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका सेल्स मैनेजर and we are here in ITC in Asia with collaboration of MMC. Mr. Shahid is with me, who is the CEO of MM Corporation, and we are showcasing Atom products here in ITC in Asia 2024 here in Lahore Expo Center. We mainly manufacture smart cabinets, racks, UPS, PDUs, container data centers, containment solutions, precision cooling units. All are manufactured in Shenzhen, China. We have actually 3 factories in China, and you can also visit our website www.atom.tech and our distributor website as well, mmc.biz.pk, where we are showcasing our products. You can get the details of our products and you know from the website. And here also we are displaying our products, so we would like to welcome you for this event. You can come here. This event has been started from today, and this event is still Saturday, so we are looking forward to welcome all the clients and partners who are in Lahore and to get this opportunity to see our products. And we are looking forward to serve you in Lahore and supply you the state-of-the-art products which we are offering. And we are also deploying some products in Middle East and Africa as well, so it's a very good opportunity for you to come and explore the opportunities and to see the product. Welcome to ITC in Asia, and this is the first time ITC in Asia is into the heart of Pakistan, that is the city of Lahore. And we are here with our company name HYF Pakistan, and I am the company CEO in Pakistan, Chief Business Officer. We are looking forward to the identity of all the Pakistanis, and we are into biometrics, we are into point of sale, we are into plastic, debit, credit, and into instant issuance of card. So what we do is we look forward to innovation. और ITCN की वजह से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट जो मिला है वो ये है कि हम अपने डिस्प्ले कर रहे हैं, वी आर गेटिंग मैनी पीपल, मैनी कस्टमर्स और पोटेंशियल पीपल जो कि रेलिवेंट है पूरी इस इंडस्ट्री से। सो बेस्ट ऑफ लक टू ITCN एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट इवेंट ऑल्सो इन लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा ज़ुबैर अहमद है। मैं आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्वाति टेक्नोलॉजी को, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्वाति टेक्नोलॉजी जो है AI बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जितने भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्वाति टेक्नोलॉजी की जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट हैं उसमें AI बेस्ड सर्वेलेंस हैं, टेक्सटाइल के लिए स्पेशलाइज ERP सॉल्यूशंस हैं, और इसके साथ AI ड्रिवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस हैं। स्वाति टेक को स्टार्ट हुए 2 साल हो चुके हैं, और ये एक फ्रेशर स्टार्टअप है, और ITCN ने हमें सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर आने के लिए और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड बहुत ही वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है, और वी आर एक्सपेक्टिंग के जी माशाल्लाह यहाँ पे हम सब के लिए बेहतरी होगी, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में, डिजिटल ग्रोथ में हम भी एक छोटा सा कतरा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जी नाज़रीन, STZA से हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं STZA के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमजा भाई, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की है, यू आर लुकिंग चार्मिंग टुडे, क्या रीज़न है? ये जी ITCN जो है ये बड़ा स्पेशल इवेंट है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये एक नेशनल इवेंट है जहाँ पे सारे हुकूमती इदारे और प्राइवेट सेक्टर के इदारे जमा होते हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी भी इसी तरह एक फेडरल हुकूमती इदारा है, जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड है, और हम एसेंशियली जो है वो टेक्नोलॉजी जोन सेटअप करते हैं। और टेक्नोलॉजी जोन जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में तो तकरीबन 20-25 साल पुराना है, पाकिस्तान में 3-4 साल पहले आए हैं, और इसमें ये कानून जो है वो पास हुआ 2021 में,
जिसके अंडर कोई भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग 2.5 लाख स्क्वायर फुट से बड़ी हो या 5 एकड़ से कोई ज़मीन बड़ी हो और वहाँ पे कोई टेक जोन बनाना चाहे तो हम उसको लाइसेंस देते हैं। एक दफ़ा हम जब लाइसेंस देते हैं तो जो उसका ऑपरेटर है उस टेक्नोलॉजी जोन का उसको और जो उसमें सिर्फ आईटी कंपनीज आ सकती है उस जगह में वो आईटी कंपनीज उन दोनों को 10 साल इनकम टैक्स से छूट है। कैपिटल गुड्स वो इम्पोर्ट करते हैं जैसे लैपटॉप्स हो गए या जो है सर्वर्स हो गए डेटा सेंटर के व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत है उस पर कस्टम्स ड्यूटी माफ़ हो जाती है। फिर हमारे लाइसेंस पे फॉरेन करेंसी अकाउंट खुल जाता है जिस पे कोई भी बाहर से पैसे डॉलर में आ रहे हो तो उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है वो आप बैंक में डॉलर में ही रख सकते हैं। और ये इस वजह से किया क्योंकि बड़े सारे आईटी कंपनी जो हैं क्योंकि पाकिस्तानी रुपी वॉलेटाइल है तो बड़े सारे आईटी कंपनीज या टेक्नोलॉजी कंपनीज बाहर ही पैसा डॉलर में रखते थे तो और उसकी एक वजह ये है कि इंडिया हमसे 20-25 साल पहले इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने रेपुटेशन बना ली। हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं इंशाल्लाह ताला ये आपके साथ हम सब जो ये आए हुए हैं ये ग्लोबली हमने इसके ऊपर रेपुटेशन बनानी है और यूथ के लिए और कोई सेक्टर एग्रीकल्चर हो गया टेक्सटाइल हो गया ये 5-10% से ऊपर नहीं ग्रो करते। आईटी एक ऐसी जगह है या टेक्नोलॉजी जो 100% भी सालाना ग्रो कर सकते हैं 200% भी ग्रो कर सकते हैं तो आप जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर से वो ये नहीं। हमजा साहब माशाल्लाह आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया जिनमें आई थिंक सो कि मुझे उम्मीद है कि ये लोगों को बड़ा मैसेज स्पेशली इस फील्ड से जो लोग रिलेटेड हैं और जो यंग हैं उनको ये बड़ा काम है कि ये मैसेज बहुत शुक्रिया थे। मैगिस्टर से उमर साहब मरसर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी करें ये हमारी दुआएं हैं। और माशाल्लाह इस वक्त फर्स्ट डे है एक्सपो में जो लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है आपके स्टॉल के ऊपर। अच्छा क्या कहना चाहेंगे मैगिस्टा के बारे में लोगों थोड़ी को ब्रीफिंग दें। अच्छा मैगिस्टा बेसिकली हमने इसी साल लॉन्च की अपनी कंपनी और एक गैप देखते हुए पाकिस्तान में कि इस वक्त लोग जो है अफोर्डेबिलिटी का इशू है लोगों के दरमियान ठीक है बेसिकली फार्मर्स के दरमियान और उस गैप को देखते हुए हमने सोचा कि यार हम एक मशीन की लोकली जो मैनुफैक्चर करते हैं उसको प्रोमोट करें और इस तरफ हम हमारा ज़रा फोकस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो मशीन्स हैं वो फार्मिंग से रिलेटेड ज़्यादा हमारा जो है वो फोकस है उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये है कि इस साल हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइट पे चल रहे हैं और 2024 के एंड तक हम कोई 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आज कैसा फुटफॉल रहा है? आज बड़ा क्राउड है और पहले दिन नॉर्मली जो है वो क्राउड का जो है फ्लो कम होता है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्लो है इस वक्त और ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये बढ़ेगा क्योंकि लास्ट डे तो अभी आना है लास्ट डे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है लेकिन ये फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्राउड नज़र आ रहा है इस वक्त। अच्छा सर क्या कहना चाहेंगे अभी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज इधर आए हैं सॉफ्टवेयर इधर आए हैं। अच्छा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नई जनरेशन को अभी सॉफ्टवेयर के वाले से नई जो टेक्निकल चीज़ें उनके वाले से? अच्छा मैं थोड़ा सा बताऊँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ना होता क्या है कि जब हम स्टार्टअप वगैरह के ऊपर जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में कहते हैं कि यार आप स्टार्टअप जो है वो लेकर आएँ तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वो फूड सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं कोई उस तरफ फोकस होता है तो अभी जो नज़र आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हुए हैं तो ये एक अच्छा चेंज नज़र आया है और ये जो चेंज है ये अगर इसी तरह कंटिन्यू रहता है तो हमारी नई जनरेशन जो है वो भी इसको फॉलो करती है तो हम एक आईटी सेक्टर में भी अपना नाम बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए पानी बहुत अहम चीज़ है और इसी के साथ ये मेरे हाथ में एक बॉटल है माई वाटर के नाम से। माई वाटर में काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानते हैं माई वाटर के बारे में मज़ीद तफ़सील। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। काशिफ भाई क्या हाल चाल हैं? अलहमदिल्लाह सर, थैंक यू सो मच। काशिफ भाई पानी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है लोगों के लिए और ये जो माई वाटर है इसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे लोगों को। सर बेसिकली ये इनिशिएटिव हमने लिया था कि हम जो प्लास्टिक है उसको एलिमिनेट करें फॉर द ह्यूमन लाइफ साइकिल के थ्रू क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक ऐसे काफ़ी कंटेमिनेशंस और मेटल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो कि ह्यूमन अफेक्ट करते हैं ह्यूमन की हेल्थ को तो यूजुअली लोग डिस्पेंसर्स के ऊपर जो वाटर बॉटल यूज़ करते हैं हमने वो पार्ट एलिमिनेट कर दिया और जो हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है कि उनके अपने ही टैप वाटर को ये मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर दिया लाइक जो भी उनका लाइन का पानी है उसके साथ मशीन कनेक्ट हो जाती है और हमारे प्रोसेस 8 स्टेजेस जो हमारा प्रोसेस
प्रोसेस है, उसके थ्रू पानी प्योरीफाई मिनरल्स ऐड होकर उनको नेचर में वाटर मिलता है। इसके अंदर हमने स्मार्ट सेंसर्स और IoT बेस्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है कि कस्टमर्स एक्चुअल में ये देख सकते हैं रियल टाइम पे कि उनके पास किस क्वालिटी का वाटर बैकएंड से आ रहा है, माई वाटर उनको क्या वाटर सर्विसेज दे रहा है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये रियल टाइम पे वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑन करेंगे, रियल टाइम पे देखेंगे कि एक्चुअल में वो उनकी फैमिली क्या पानी यूज़ कर रही है। तो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ माई वाटर के हम इस तरीके से जो कंज्यूमर हैं, जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं, उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि वो ईजीली अपने पानी की क्वालिटी और अपनी हेल्थ क्वालिटी को मॉनिटर कर सकें। तो सर कितने टाइम से ये काम आपने शुरू किया हो? इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years के माई वाटर ने ये स्टार्ट किया था फ्रॉम कराची, वी हैव एक्सपेंड टू लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट। और ये हमारा जो ग्लास वाटर वाला पार्ट है वो भी इसी वजह से कि यूजुअली हमने जैसे हमारा मिशन है प्लास्टिक को एलिमिनेट करना, तो हमने इसलिए ग्लास वाटर इंट्रोड्यूस करवाई है। अभी ये हम होटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स के लिए, लेकिन इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल हम इसे ऑन रिटेल पर्पज़ पर भी लेकर आएंगे। अच्छा, कितनी क्वान्टिटी में आप डेली पानी को इसको तैयार करते हैं, ये बॉटल्स वगैरह हैं? सर हमारी जो एक मशीन है, जो डिस्पेंसर मशीन है, वो एक दिन में ऑलमोस्ट 100 liters को प्योरीफाई कर लेती है इजीली। तो अगर आप इसको ऐसे कंसिडर करें, कोई हाउस होल्ड में 10 to 12 उनके मेंबर्स हैं, तो वो एक दिन में हार्डली 20, अगर पर ऑन एन एवरेज भी लगाएं तो 3 to 4 liters का वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो तकरीबन वो 40 liters कंजप्शन देंगे। हम उनको 100 liters की प्योरीफिकेशन का जो है वो देते हैं। अच्छा, क्या प्राइस में ये बॉटल है? काशिप, एक चीज़ बहुत प्यारा है, ये खूबसूरत है, इसका जो डिज़ाइन है बड़ा खूबसूरत है, ये आपने रखा था डिज़ाइन? नहीं, ये मैनेजमेंट से। अच्छा, वैसे क्या प्राइस है ताकि देखने वालों को आइडिया होना थोड़ा बहुत? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने भी रिटेल मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसके भी तो रेट जो है फिक्स नहीं हुए हैं। अभी हम ये बॉटल हमारी एज अ डिस्प्ले के लिए फॉर दिस इवेंट कि हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट के अंदर। प्राइजेस क्या होते हैं ये इन फ्यूचर डिसाइड होंगे कि अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू को देखते हुए। अभी हमने क्योंकि रेस्टोरेंट्स जैसे मोमिनपिक है, हमने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वहाँ पर उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं मोमिनपिक, ठीक है, वो उसको अकॉर्डिंगली इसको चार्ज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही रेट्स आएंगे वो पब्लिकली फिर अनाउंस किए जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक। टेक्सोल सॉल्यूशन से इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं टेक्सोल सॉल्यूशन के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इस वक्त दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशन का हल नहीं निकल रहा, लेकिन आपका नाम ही टेक्सोल सॉल्यूशन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, जो आपने बात की, सारे सॉल्यूशंस का हल वैसे भी नहीं होता, एंड हम सारे सॉल्यूशंस का हल दे भी नहीं रहे। वी आर हेयर इन ITCN एंड वी आर हेयर इन पाकिस्तान टू प्रोवाइड यू द IT सॉल्यूशन बेसिकली, क्योंकि हम अभी ITCN के अंडर द रूफ ऑफ ITCN खड़े हुए, तो हम विल टॉक अबाउट द IT सॉल्यूशंस, राइट? बिसाइड्स, अगर हम टेक्सोल की बात करें तो टेक्सोल, वी हैव 3 मेजर डिविजन्स इन टेक्सोल। वन इज ऑफ कोर्स कवरिंग द IT सॉल्यूशंस, एंड देन द सेकंड वन इज कवरिंग द डिजिटल मार्केटिंग, एंड द थर्ड वन वी हैव द इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जिसमें कि हम ये टेस्ट एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और वो IT से रिलेटेड ही थोड़ा सा बन जाता है कि जिसमें हम प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस जो ऑटोमेशन के हवाले से बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्सोल। अगर आप IT की स्पेसिफिकली बात करें, IT सॉल्यूशंस की, तो लेट मी हाईलाइट दैट वी आर कवरिंग द IT ऑफ एनी बिजनेस इन 360 degrees, लाइक वी आर इन टू द IT इंफ्रास्ट्रक्चर solutions, we are into the networking, we are into the network security, and we are into the end user computing, and of course the end user security as well. Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Today we are at Lahore Expo Center, or alhamdulillah ITCN ke
स्टार्ट हुआ है जो कि लाहौर से हुआ है 2024 के अंदर. तो वी आर रिप्रेजेंटिंग अल्लाफी टुडे. अल्लाफी इज़ एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कवरिंग द जॉब मार्केट गैप, जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती डिग्रीज पे पढ़ने के बाद, और जब वो डिग्रीज पे पढ़ लेते हैं उनको इंटर्नशिप्स नहीं मिलती क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं होती. तो बेसिकली हम जो है आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं डिप्लोमास के साथ. ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको ऑनलाइन जो है इसमें इंटर्नशिप का डोमेन भी देते हैं, ताकि आप वक्तन फवक्तन जो दौर जिद्दत की चीज़ें आजकल आपको मार्केट में चल रही हैं जैसे डेवऑक्स, सॉफ्ट्स एंड एआई, इसके अंदर आप किस तरह आप कोप अप करेंगे और उस मार्केट के गैप को किस तरह फुलफिल करके आप मार्केट में अपना रास्ता बना सकेंगे, अपनी जॉब का रास्ता हमवार कर सकेंगे. तो अल्लाफी जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में 2029 से काम कर रहा है, 2029 मतलब कि 2019 से काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अबव 2000 कस्टमर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर वर्किंग एज अ टीम. मौजूद है IDCN लाहौर में एक्सपो सेंटर में हमारा लाइक हम लोग मौजूद हैं हॉल नंबर 3 स्टॉल नंबर 344. आप आएँ हमारे स्टॉल पर, आप हमें विजिट करें एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.alnafi.com. वी आर वेटिंग फॉर यू, कम एंड प्लीज़ विजिट अस. जो भी लाहौर ITCN एक्सपो में विज़िट करेगा अल्लाफे के स्टॉल पे, उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है. अल्लाफे उनको प्रोवाइड कर रहा है फ्री कोर्सेज, जिससे आपको मालूमात मिलेगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से. अगर मैं टेक्नोलॉजीज़ की बात करूं तो वो साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर जगह बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. अल्लाफे लाया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाहौर ITCN एक्सपो में. हमारा स्टॉल नंबर 344, हॉल नंबर 3, विज़िट करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं. आदिल मीर है, मैं ग्रुप हेड मार्केटिंग हूँ नेट्स इंटरनेशनल ग्रुप में, और मेरे साथ है जुल्बाब अली जो रीजनल हेड हैं नेट्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के. नेट्स इंटरनेशनल एक ग्लोबल कंपनी है, पाकिस्तान से शुरू हुई तकरीबन 40 साल पहले, और वहाँ से एक्सपेंड करते हुए इस वक्त पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरेबिया, UK, USA यहाँ पे मौजूद है. कंपनी जो है बेसिकली इंटरनेशनली अपनी टेक्नोलॉजी सर्विस और सॉल्यूशन देती है, और हमारे टॉप कस्टमर्स में टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लार्ज कॉरपोरेशंस, एंटरप्राइजेस हैं. हमारी सर्विसेज में फाइबर ऑप्टिक की सर्विसेज, एक्सेस नेटवर्क, फिक्स्ड और वायरलेस नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन, एंटरप्राइज डेटा नेटवर्क्स, रिसोर्स आउटसोर्सिंग और मैनेज सर्विसेज हैं. ये कंपनी जो है रैपिडली एक्सपेंड कर रही है और अपने कस्टमर्स के लिए हर किस्म के सॉल्यूशंस. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अजीम इजाज़ शेख है, मैं एड सेल्स में क्लाइंट सर्विसेज को हेड कर रहा हूँ. बेसिकली हमारा जो स्टॉल है यहाँ पे आज लाहौर में एक्सपो ITCN हो रही है, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारी एड सेल्स की. वी आर सिंस 1952 इन दिस इंडस्ट्री इन एडवर्टाइजिंग, और अब जैसे एडवर्टाइजिंग में इंडस्ट्री में भी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, तो हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो अब टेक बेस्ड होती जा रही है. जैसे कि ये स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और इसमें जितनी भी स्क्रीन्स हैं ये सारी की सारी इंट्रैक्शन स्क्रीन है, और बहुत सारी स्क्रीन इनमें ऐसी हैं जो कि हमारी VR और IR के साथ भी यूज़ हो रही होती हैं. बेसिकली IR जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी यूज़ हो रही होती हैं ये स्क्रीन्स. फिर उसके बाद हमारे पास जी ये जो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, ये डिवाइसेस हम बैंकिंग सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, और ये डिवाइसेस जो हमारी बायोमेट्रिक के लिए भी यूज़ हो रही हैं, बिकॉज पाकिस्तान के बीच में बायोमेट्रिक बहुत ज़रूरी है, यू नो एक्टिवेट द सेम. और फिर ये जो डिवाइसेस हैं ये बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हो रही हैं टूवर्ड ओपनिंग द अकाउंट्स, ओपनिंग और अकाउंट वेरीफिकेशन के लिए यूज़ हो रही है. अगर मैं अपने पूरे ग्रुप का, अपने का पोर्टफोलियो का आपको तारुफ करवाता चलूँ, तो दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, जैसे मैंने पहले बताया सिंस 1952 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एड सेल्स. एड एक्सियम जो हमारी है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है. डिजिक्स जो हमारी ये कंपनी है, ये आपको जितने भी हार्डवेयर प्रोवाइडर डिजिटल की वो प्रोवाइड कर रही है. एंटर इज अ कंपनी हुई प्रोवाइडेड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल विद द कम्बिनेशन ऑफ एड एक्सियम. फरदौस फार्म हमारी जो कंपनी है ये हमें प्रोवाइड कर रही होती है, एक फार्मा के लिए हम लोगों ने कंपनी बनाई है, लाइक यू नो के जितनी भी एग्रीकल्चर में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें. देन OMM आउटडोर मीडिया मैनेजमेंट है, रीब्रांड है हमारी जो हमारी
गिव वेज प्रोवाइड कर रही होती है। स्पॉट ऑन हमारी एक्टिवेशन कंपनी एंड ट्रेड टीम हम मल्टीनेशनल के साथ काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन सो फॉर इन पाकिस्तान इंडस्ट्री में। हम लोग जो क्या बेहतर कर सकते हैं वो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जी एडवर्टाइजिंग से चलते चलते हम आगे कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएँ। इस वक्त रैंक विज की टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? सर मेरा नाम हाफिज़ शहबाज है। और सर आपका नाम? मोहम्मद वसीम अनवर जी। शहबाज भाई क्या कहना चाहेंगे रैंक विज के हवाले से? सर रैंकवेज जो है अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में बल्कि SEO की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जिन लोगों को SEO का नहीं पता मैं उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं इसको आम जुबान में बात करूँ अपनी उर्दू लैंग्वेज में तो हम लोग जो एक वेबसाइट होती है उसको गूगल पर रैंक करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इसका मतलब है। तो जब इसको गूगल एक सर्च इंजन है उस पर रैंकिंग करने का ये एक प्रोसीजर है जिसको SEO बोलते हैं। okay. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है ये बहुत अच्छा एक काम कर रही है यहाँ पे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो माशाल्लाह एक्सपो सेंटर में ITCN जो एक ये मुनक़द करवा रहा है तो उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो यहाँ पे उभर रहा है। तो उस पर सबसे पहले तो ITCN उसको मुबारकबाद। एज़ फार एज़ रैंकिंग इज़ कंसर्न माशाल्लाह 3 साल से हम SEO सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। और हमारे पास टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट इज़ वेल। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे आज एक्सपो के वाले से? ये बहुत अच्छी एक चीज़ हो रही है पाकिस्तान में और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में होती रहनी चाहिए क्योंकि IT जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे ना सिर्फ एक पाकिस्तान की यंग जनरेशन को जिनके पास ये स्किल है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बाहर से जो मतलब हम लोग एक तरह से सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके जो ज़रिए एक पाकिस्तान को इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होते रहेंगे, यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं जिस तरह से आपने देखा है तो इस तरह से लोग यहाँ पे आते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आने वाले दिनों में ज़रूर तरक्की करेगा, मज़ीद तरक्की करेगा। नाज़रीन वेब HR से ज़ीशान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक थैंक यू। ज़ीशान वेब HR इसके बारे में ब्रीफिंग देखने वालों को। जी वेब HR बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन कंपनी है जिसने स्टार्ट पाकिस्तान से लिया था। ओके okay. एंड फिर 10 साल की कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग US में मूव हो गए थे 2016 के अंदर। हेडक्वार्टर हमने कैलिफोर्निया में बनाया और अब हम नॉर्थ अमेरिकन रीजन स्पेशली कैनेडा US और उसके अलावा GCC मार्केट में UAE के अंदर प्लस यूरोप और पाकिस्तान के अंदर HR टेक्नोलॉजी की सर्विसेज दे रहे होते हैं। yeah. कैसा फुटफॉल रहा आज? आज का फुटफॉल अच्छा रहा और ITCN हमेशा बहुत अच्छा रहता है और दिस इज़ माय सेकंड एक्सपीरियंस हियर इन लाहौर फॉर ITCN और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस है। अच्छा सर क्या समझते हैं कि वेब HR को आप आज से 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? वेब HR हम लोग बेसिकली वेब HR के साथ एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं HR टेक्नोलॉजी का जिसके okay. अंदर हमने हायरिंग का एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया अभी। उसके अलावा हम लोग आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं प्लस पेरोल का बना रहे हैं। तो वो कंपनीज़ जो मीडियम साइज़ कंपनीज़ होती हैं जिनको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपर्टीज़ या सिस्टम्स चाहिए होते हैं उनको हम एक फुल फ्लेज सिस्टम बना के दे रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह वेब HR इन नेक्स्ट 10 years विल बी अ बिग मच बिगर कंपनी। जी नाज़रीन माइक्रोटेक से उस्मान नेसा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि माइक्रोटेक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत सर। सर आज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े फेस्टिवल में आ गया हूँ। माशाल्लाह माइक्रोटेक के स्टॉल के ऊपर इतना फुटफॉल है, इतना क्राउड है, इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी वजह ये कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो हमारे पास जो मसाइल का हल है वो एक एंड यूज़र से लेके एक इंडस्ट्रियल ग्रेड तक के बंदे तक के लिए है हमारे पास। तो जो बंदा उसके साथ अपने आप को रेजोनेट कर रहा होता है या कनेक्ट कर रहा होता है तो वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। बेसिकली हमारा काम ये है, माइक्रोटेक जो है वो तकरीबन 8 से 9 ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। अब ये जो ब्रांड्स हैं इनका काम ये है कि आज जैसा कोई हाउसिंग सोसाइटी है या कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई एजुकेशन सेक्टर है, कोई हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ पर आपने देखा कि वाईफाई के सोल्यूशन चाहिए होते हैं उनको, या फिर उनको अटेंडेंस मैनेजमेंट का सिस्टम चाहिए होता है, या फिर उनको एक्सेस कंट्रोलिंग सिस्टम चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम होता है वो हम लोग दे रहे होते हैं, या आपने देखा कि कराची से लाहौर मोटरवे वगैरह पेशावर मोटरवे वगैरह के ऊपर जो कनेक्टिविटी हुई हुई होती है वो हमारे इक्विपमेंट के ऊपर होती है। वो जो ज़्यादा डेजर्ट एरिया होता है जी हाँ, रिमोट एरियाज़ के अंदर इंटरनेट नहीं है तो वहाँ तक इंटरनेट लेके जाना, हमारे क्लाइंट्स के अंदर जो ना ISPs हैं
बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दे रहे होते हैं, और उन ISPs के अलावा कुछ इदारे ऐसे हैं तो हम उन इदारों को अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं। मेरे बैग पे आप यहाँ पे देख रहे हैं यूबीक्यूटी, ये USA बेस्ड ब्रांड है। इस तरह के तकरीबन 8 ब्रांड हमारे पास और हैं जो अलग अलग सर्विसेज या अलग अलग इंडस्ट्री को देख रहे हैं। यूबीक्यूटी जो हमारे पास वो बेसिकली वायरलेस सोल्यूशंस को देख रहा होता है। अब वायरलेस के अंदर आपके घर का वाईफाई भी शामिल है, और शहर से शहर कनेक्टिविटी किसी कंपनी को अगर करनी है तो वो भी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, वायरलेस के अलावा आपकी कंपनी क्या कर रही है? हमारी कंपनी वायरलेस के अलावा आजकल एक चीज़ जो इन हुई हुई मार्केट के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, वो है ई पॉन और जी पॉन। तो जी पॉन का सोल्यूशन हम लोग दे रहे होते हैं जिसमें फाइबर टू द होम का सर्विस होता है कि आपके घर तक फाइबर की कनेक्टिविटी आ रही है, जिससे तेज़ इंटरनेट जो है ना पॉसिबल हो पाता है। फिर इसके अलावा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी कंपनीज के अंदर IP फोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अपने बहुत सारे स्टाफ है उसको एक्सटेंशन बेस करना होता है और स्मार्टली चलाना होता है, वो उसकी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। फिर होम वाईफाई वगैरह की सर्विसेज हमारे पास मौजूद है, या फिर होम राउटर्स की सर्विसेज हमारे पास मौजूद है। इस तरह की सर्विसेज हम लोग दे रहे होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्सपो वाले से आज फर्स्ट डे है? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह की एक्सपोज या इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे पास जो है मुसलसल होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी के साथ होनी चाहिए। इससे बहुत सारा नया टैलेंट भी सामने आता है इस फील्ड के अंदर, जैसे जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स हैं, AI इंजीनियर्स हैं, वो उभर के सामने आते हैं और लोगों के अंदर इसकी जो एक अवेयरनेस फैलती है कि दुनिया में किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमें कहाँ तक जाना चाहिए। वालेकुम जी, मेरा नाम है सरान खालिक, आई एम द को फाउंडर एंड CEO ऑफ ब्रेनस्वार्म। दिस इज़ द स्टार्टअप which is focused on STEM education, and we are bringing indigenous solutions towards EdTech and education departments. So we have developed some robots. This is the SimBot. This is named as Swarm miniature robot. This is the most smallest robot in Pakistan right now, and this can provide education facilities and education resources from K-12 education to university and R&D. So we have performed different Swarm algorithms and Swarm Robotics Lab in which is our partner, and we have also performed some Scratch and STEM programming to school students and college universities. We also provide drone technology, introduction to the drone technology towards school education through Scratch programming, where students can program through block coding, and we have developed some electronic kits that provides students hands-on experience of the basic fundamentals of electronic circuits and electronic components. Overall, हमारा focus ये है कि हम पाकिस्तान में जो STEM education लेना चाह रहे हैं उसके लिए indigenous और locally developed solutions provide कर रहे हैं। हम लोग part हैं National Center of Robotics and Automation का, जिसके अंदर 11 labs हैं जो different robotic solution provides कर रही हैं। We are the initiative from Swarm Robotics Lab, UT Tesla, और हमारे साथ एकेडमिक कोलैबोरेटर हैं यूनिवर्सिटी के, तो हम कस्टमाइज करिकुलम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एक्टिविटी नोट्स और इसके अलावा लेसन नोट्स भी हम साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम समर बूट कैंप्स, विंटर बूट कैंप्स, आफ्टर स्कूल, और इसके अलावा हम डिफरेंट स्कूल्स को उनकी अपनी स्टेम लैब्स एस्टेब्लिश करने में कंसल्टेंसी और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हर्बल लगूज बेसिकली वेजिटेबल फूड्स को डिहाइड्रेट कर रहा है, उनको ड्राई कर रहा है, उनमें वैल्यू एड कर रहा है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस कर रहा है। इस वक्त हर्बल लगूज की वेरियस प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्राई ऑनियन पाउडर, ड्राई गार्लिक पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, मिंट, थाई चिलीज, ग्रीन चिलीज और इस तरह की वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के स्पाइसेस एंड हर्ब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। थाइम एंड रोजमेरीज एंड ओरिगानो अवेलेबल हैं हमारे स्टॉल्स के अंदर। आप हमारी प्रोडक्ट्स को www.herballagoons.com.pk पे परचेज कर सकते हैं। ITCN के इस फोरम पे हम 3 दिन अवेलेबल हैं लाहौर के अंदर, आप हमारे स्टॉल पे विजिट करें और आएँ और इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लें, जिसमें हम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हर्ब्स जो हैं बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, मेरा नाम फराज महमूद है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अल्ट्राटेक। हमारी कंपनी मेनली नेटवर्किंग आइटम्स में डील करती है, और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर USA के ब्रांड है, ग्रैंड स्ट्रीम है, मिमोसा है, और इसी तरह लातविया का ब्रांड माइक्रोटिक है, और इस तरह ही बीसोल, हवावे, ये तमाम चीज़ें नेटवर्किंग आइटम्स से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं फाइबर केबल, जो फाइबर टू होम में ज़्यादा यूज होती है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी और एसेसरीज होती हैं जो
के हमारे अपने OEM ब्रांड्स हैं अल्ट्रानेट और कैरियर। अभी फ़िलहाल यहाँ एक्सपो का ये फर्स्ट डे है, इसमें हमने अपनी तमाम चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। आज पहला दिन है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है पहले दिन के हिसाब से यहाँ। और अगर आपने ज़्यादा जानना है हमारी कंपनी के बारे में तो हमारी वेबसाइट विज़िट कर लें www.ultratech.pk। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। DOP यकूब भट्टी के साथ अपने मेज़बान तारिक अंसारी हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती